बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अहम खबर है दिल्ली से, जहां पर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ और राहुल गांधी समेत हरियाणा कांग्रेस के कई नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो है नतीजे थे उसकी राहुल जी ने भी बहुत सराहना की, धन्यवाद किए और सबको प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सबसे कहा है, पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी एकजुटता से, पूरी यूनिटी के साथ आगामी चुनाव जीतने के लिए हरियाणा का एक एक वर्कर, एक एक लीडर जी जान की ताकत लगा देगा और इसके बारे में जो भी आवश्यक कदम है वो हो सकता है कि जो है पार्टी की यूनिटी बनी रहे, हो सकता है कि पार्टी में जो है संगठन का अभाव है तो उसको भी जल्दी से कमी वो पूरी की जाए। इसके हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 70+ के भारी बहुमत से बनेगी। हमारे साथ सत्यपाल ब्रह्मचारी जी मौजूद है। सर, बैठक हुई है, क्या कुछ रहा इस बैठक में? बैठक में हरियाणा जीतने में चर्चा की गई और क्या क्या चीजें चर्चा की गई, क्या किसी तरह का कोई सुझाव दिया गया हाईकमान के सामने, क्या किसी तरह की बात रखी गई है? हाईकमान का आदेश है कि हरियाणा जीतो, जीत के। और कुछ कुछ रणनीतियां बनाई गई होगी? हाँ, बनाएंगे बड़े लोग। किस तरह की रणनीतियां बनाई गई है भाई? हरियाणा जीतने के लिए कांग्रेस जीत के आए, ये रणनीति थी आज बेटा। साथ वरुण बुलारा मौजूद है। सर, अभी बैठक हुई है, क्या कुछ रहा उस बैठक में? देखिए, सुझाव हुए हैं और सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। जो आगामी हमारा विधानसभा चुनाव है उसको हम अच्छे से लड़ें और हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी की जो है वो सरकार बनाएं। किस तरह का सुझाव आपके द्वारा दिया गया है? अच्छे अच्छे सुझाव दिए गए हैं और उन पर विचार किया गया है। थैंक यू। धन्यवाद। हम सुन रहे थे वरुण मुराला को, जो अभी अभी बैठक से बाहर निकले हैं। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज दिल्ली।